Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आज हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा के कैंपस का टूर करवाएंगे। कैंपस टूर की शुरुआत हमारी होती है LIC बिल्डिंग एरिया से और यहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर है कैंपस का मेन गेट। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रवेश करते हुए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोटा के अंदर। हमारे राइट हैंड साइड में है रेजिडेंशियल एरिया ऑफ डॉक्टर्स, बहुत ही सुंदर और बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट है कैंपस का। राइट हैंड साइड में हमारे गेस्ट हाउस है। कैंपस के अंदर बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज के आपको पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी सुंदर एनवायरनमेंट है। कैंपस के अंदर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच भी आपको देखने को मिल जाएगी। यह है गर्ल्स हॉस्टल्स। कैंपस में आपको बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छे प्रकृति के सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। अब हम आ चुके हैं ऑडिटोरियम एरिया के यहाँ। यहाँ पर काफ़ी सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स कंडक्ट होते रहते हैं। ये बसेस भी कॉलेज की ही है। सामने ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पर स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स अपनी कार और व्हीकल्स को पार्क करते हैं। अब हम आ चुके हैं एग्जामिनेशन हॉल और LT एरिया की तरफ। ये बिल्डिंग है न्यू एग्जामिनेशन हॉल की, जो हाल ही में कंस्ट्रक्ट हुई है। फिलहाल इसको स्टार्ट नहीं किया गया है। उसी के सामने है ओल्ड एग्जामिनेशन हॉल की दो अलग अलग बिल्डिंग, जहाँ पर मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। ये सामने है लेक्चर थिएटर्स। लेक्चर थिएटर के अंदर का व्यू। कॉलेज के कैंपस के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर के सामने ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर हवाएं चल रही हैं। यह है कॉलेज की मेन बिल्डिंग और हम यहाँ से टर्न लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने से होते हुए जा रहे हैं। यह है कॉलेज का सेंट्रल ग्राउंड, जहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फंक्शंस वगैरह कंडक्ट होते हैं। सामने आपको लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है और यह है कॉलेज
का एकेडमिक ब्लॉक जो कि बहुत ही बड़ा है। और अब हम आ चुके हैं लाइब्रेरी एरिया की तरफ। यह है हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर है। और अब हम आ चुके हैं एकेडमिक ब्लॉक के सामने। एकेडमिक ब्लॉक के अंदर हम एंटर करते हुए आपको एकेडमिक ब्लॉक के अंदर का व्यू दिखा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं एकेडमिक ब्लॉक के बैक साइड में, जहां पर स्पोर्ट्स एरिया, जिमनेशियम और बैडमिंटन कोर्ट है। हमारे राइट हैंड साइड आपको वॉलीबॉल कोर्ट और क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ से कुछ आगे ही बैडमिंटन कोर्ट और जिम है। और ये है हमारे कॉलेज का पीछे वाला रास्ता जो कि GMCM का फेवरेट है। और ये बैक साइड ऑफ द एकेडमिक ब्लॉक। हमारे कॉलेज के अंदर अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत सारे नए हॉस्टल्स और नई बिल्डिंग्स अभी बन रही है। अब हम हॉस्टल एरिया में एंटर करते हुए हमारे सामने PG हॉस्टल नंबर 1 है। इसके बाद अब हम UG हॉस्टल्स की तरफ एंटर कर रहे हैं। ये कुछ पुराने हॉस्टल्स हैं UG के। हमारे लेफ्ट हैंड साइड है बास्केटबॉल कोर्ट। काफी अच्छा बास्केटबॉल कोर्ट है। अब हम UG हॉस्टल्स की तरफ आते हुए यह है PG हॉस्टल नंबर 2। बहुत अच्छा, वेल मेंटेन, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है कॉलेज के अंदर। हमारे सामने है UG हॉस्टल। ये पुराने हॉस्टल थे, इन्हीं के आगे नए हॉस्टल का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये हाल ही में नया बना हुआ एक न्यू हॉस्टल है, फिलहाल इसको अलॉट करना भी स्टार्ट नहीं करा है। हॉस्टल एरिया से हम रिटर्न करते हुए एक और कंस्ट्रक्शन वर्क कैंपस के अंदर चल रहा है। हॉस्टल एरिया से हम अब एग्जिट करते हुए अब हम एंटर कर चुके हैं हॉस्पिटल एरिया में। हमारे सामने है NMCH और उसी के जस्ट साइड में है ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक।
सामने मेडिकल स्टोर्स है जो कि आज बंद है क्योंकि आज संडे है, और ये ब्लड बैंक है इधर, और इधर साइड में रजिस्ट्रेशन काउंटर। और ये है हमारे कॉलेज की शान, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। यह है हॉस्पिटल एरिया का मेन गेट जो कि अभी नया बना हुआ है। मेन गेट से बाहर निकलते हैं हम, आप पहुंचे हैं रंगबाड़ी रोड पर। यह है कबीर सर्किल जो कि हमारे कैंपस से कुछ ही दूरी पर है, बहुत ही सुंदर कबीर सर्किल है। आप यहाँ पर आकर अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर सकते हैं, जो बचपन में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और बहुत ही आनंद आता है इनको पढ़ने में। अब हम कबीर सर्किल की तरफ से कैंपस की तरफ जाते हुए, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। फ्यूचर में भी हम नए नए ब्लॉग्स डालते रहेंगे, और आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो को डालने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस कैंपस टूर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू ऑल्सो अ कमेंट बिलो which part of the video you like the most. Thank you very much for watching my video.